गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अड्डा 247 वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन आज तारीख हो चुकी है 15 फरवरी है ना आधा फरवरी का महीना जा चुका है आपका और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप लोगों ने जो शेड्यूल बनाया होगा उसको फॉलो किया होगा और अपना टारगेट जो है उसको भी अचीव किया होगा इसके अलावा आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का आज आज ऑफ तक सुबह तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो फटाफट से लाइव आ जाइए सेशन लाइव हो चुका है और ऑडियो वीडियो सब ठीक है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे थम अप कर दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन ओके काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ गए हैं हमारे साथ में प्रिया गुड मॉर्निंग शशि मनप्रीत प्यारी भी आ गई हैं आजाद विजय गीतिका निगम मयंक वीर नितिन फ्यूचर ओके शेव निशु अमित मोनू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो चल दी चलिए करते हैं आगाज फिर आज के सेशन का लेकिन उससे पहले देखते हैं जरा आज का मोटिवेशन क्या कहता है आज का मोटिवेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है भले ये दो शब्द आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है आई कैन डू इट ये जो कांट है ना ये जो नो no है इसको आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए क्योंकि मानकर चलिए जब कोई भी काम आप करते हैं तो ये सोचा करें कि आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है उसको पहचानिए अपने अंदर की पावर को पहचानिए ठीक है और उसके ऊपर काम कीजिए बजाय के टाइम वेस्ट करने के सो so, शुरू करें सेशन रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करवा दे ठीक है आज बात करते हैं इस बारे में आज मीटिंग भी है शाम को ठीक है मैं आपकी ये बात रख दूंगी रीजनिंग की क्लास ओके okay, और कुछ <coughs> शुरू करें आपका नाम नहीं लिया है, मिस कोमल ठीक है कोमल आपका नाम ले लिया है अब शुरू करते हैं ये एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको आपको इंस्टॉल करना है सो so आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती हैं जैसे कि जॉब अलर्ट सब्जेक्ट क्विजेस पावर कैप्सूल ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती है ठीक है और ये रही की, आज की हमारी पहली न्यूज ब्लड कैंसर इज ट्रीटेड विद थेरेपी हमारे देश के अंदर एक ऐसा इलाज ढूंढ लिया गया है जिससे क्या है कैंसर को ट्रीटमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है अब इधर फोकस करेंगे कोई भी कल परसों की बात नहीं करेगा ठीक है ये जितनी भी यहाँ पे बातें चल रही है ना कल की या परसों की इधर फोकस करो ठीक है चलो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के किस हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट ने मिलकर कार टी सेल थेरेपी को बनाया है क्या है कार टी सेल ये जो थेरेपी है इसको बनाया है और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया कि किसने इसको बनाया है चलिए क्या होगा बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर फटाफट से किसने बनाया है इसको तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पर एक्चुअली मिलकर के बनाया गया है देखो स्टार्टिंग से समझते पूरी कहानी को एक्चुअल में है क्या ये क्या है कार टी सेल कार टी सेल अब देखो यहां पे कार का मतलब क्या है कार का मतलब है एंटीजन एंटीजन रिसेप्टर क्या है रिसेप्टर जो टी सेल हो गई ठीक है रिसेप्टर के बाद क्या होगा टी सेल टी सेल क्या कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स लिंफोसाइट्स देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है डब्ल्यू होती है ये क्या होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो कि बीमारियों से लड़ती है हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई वायरस आता है जब कोई बीमारी आती है तो उससे कौन लड़ती है डब्ल्यू लड़ती है ठीक है ये क्या होती है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है हमारी इम्यूनिटी होती है लेकिन जब किसी पर्सन को कैंसर होता है तो डब्ल्यू कमजोर पड़ जाती है ये क्या है फाइट नहीं कर पाती है और इस इंसान की क्या हो जाती है फिर डेथ हो जाती है तो अब डब्ल्यू बी सी को स्ट्रोंग बनाया जाएगा और इस कैंसर से भी लड़ा जाएगा इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो ढूंढा गया है और ये क्या है कार टी सेल थेरेपी है इसको अप्रूवल किसने दिया है डब्ल्यू एच ओ ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है ध्यान से समझिएगा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी डब्ल्यू एच ओ की बात करेंगे डब्ल्यू एच ओ ने अभी हाल ही में क्या किया था एक डाटा जारी किया और जब अभी हमने कैंसर डे मनाया था आप सभी जानते चार फ़रवरी को तो उसके बाद ही डब्ल्यू एच ओ ने एक डाटा जारी किया और ये कहा कि आने वाले टाइम में, कि 2050 तक 77 परसेंट जो केसेस हैं वो कैंसर के होंगे ठीक है कितने 77 परसेंट जो केसेस हैं वो कैंसर के होंगे तो अब भाई इतना बड़ा यहाँ पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट जब डब्ल्यू ने दी है तो सबके होश उड़ गए दुनिया में इंडिया के अंदर क्या हुआ है एक थेरेपी जो है इसको अभी बनाया गया है और इसको अप्रूवल मिला है अब सवाल ये आता है इस थेरेपी को बनाया किसने है तो नोट करेंगे आईआईटी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे एंड जो टाटा हॉस्पिटल्स हो गए क्या है टाटा हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने मिलकर बनाया है किसके साथ में इम्यूनो कैच इम्यूनो कैच तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं इन्होंने क्या किया है मिलकर इसको डेवलप किया है ठीक है मिलकर इसको क्या किया है डेवलप किया है तो ये किस तरीके से काम करेगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पर्सन है ठीक है यहाँ पे क्या है पर्सन विजिबल है कि नहीं है विजिबल है कि नहीं है यहाँ पर ये ये पर्सन दिख रहा है कि नहीं है आपको ठीक है तो ये जो पर्सन है इसको क्या है इसको कैंसर है ये कैंसर का एक पेशेंट है अब यहाँ से क्या होगा यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा ठीक है इससे क्या लिया जाएगा इससे डब्ल्यू बी सी जो है वो इसकी बॉडी से निकाली जाएंगी और उसके बाद क्या किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कार टी सेल्स जो है वो क्या की जाएंगे इसमें डाली जाएंगी और उसके बाद ये जो डब्ल्यू बी सी है जो क्या करती है बीमारियों से लड़ने का काम करती है अब ये कमजोर होती है जब हम कैंसर की बात करते हैं ये कैंसर से नहीं लड़ पाती अगर इसको थेरेपी मिल सेल है, तो ये मल्टीप्लाई होके इस, हो इस तरीके से जो मल्टीप्लाई होगी तो ये देखो अब कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है और इसको वापस से उसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो जिससे कि वो पेशेंट है जिसको कैंसर है वो बच जाएगा ठीक है हाँ दिख रहा है ठीक है तो ये जो थेरेपी है इंडिया के अंदर इसको क्या मिल चुका है अप्रूवल मिल चुका है इसको अप्रूवल किसने दिया है इसको अप्रूवल दिया है डब्ल्यूएचओ ने ठीक है तो ये बच्चे जो बच, बच्चों की बात करते हैं तो ये जो थेरेपी है बच्चों में 99 परसेंट तक असरदार है जबकि बड़ों में भी ये काफी ज्यादा प्रभावी है अभी तक भारत के अंदर पंद्रह मरीजों को यह थेरेपी दी जा चुकी है इनमें से तीन मरीजों को कैंसर से सक्सेसफुल्ली मुक्ति भी मिल गई है ठीक है तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से मेडिकल के फील्ड में आप देखोगे ठीक है चलिए आप देखो कैंसर डे ये हमने अभी कब सेलिब्रेट किया हाल ही में कैंसर डे चार फ़रवरी को जो है ये मनाया जाता है ठीक है अगर मैं आपसे पूछू मलेरिया फ्री कब हुआ था कब हो जाएगा सो so, 2025 को हो जाएगा टीबी फ्री कब हो जाएगा इंडिया 2030 तक सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे क्या सिकल सेल एनेमिया फ्री कब हो जाएगा इंडिया जो है तो टू जीरो फोर सेवन तक हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वाले न्यूज पर चलते हैं हाँ भाई बोर्ड पर सुंदरिया दिख रही होंगी चलो मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन विल बी हेल्थ मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन जो है ये होने जा रहा है और खुशी की बात ये है कि इस बार भारत में होने जा रहा है जी हाँ तो सोच रहे होंगे हम तो लाइव देखने जाएंगे मैडम बोर्ड पे देखने से काम नहीं चलता देखो किस देश में मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो है जिसका ये कौन सा एडिशन होगा सेवेंटी फर्स्ट एडिशन होगा इसका आयोजन किया जा रहा है कौन से कंट्री में किया जा रहा है इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है वाव खुशी तो देखो ओके सो वर्ल्ड कंपटीशन की बातें कर लेते हैं यहाँ पे कुछ कौन सा एडिशन है सेवेंटी फर्स्ट एडिशन है स्टार्ट यानी कि इसका जो शुभारंभ है ये कहां पे किया जाएगा शुभारंभ होगा दिल्ली के अंदर लेकिन इसकी क्लोजिंग कहां पर होगी इसकी क्लोजिंग होगी मुंबई के अंदर मुंबई में कौन सी जगह ये पूछी जाएगी आपसे ठीक है ये पूछी जाए जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है यहाँ पर होगी इसकी क्लोजिंग ये वही जगह है जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हाल ही में मीटिंग का आयोजन किया गया था ठीक है अच्छा अब सवाल ये आता है कि इंडिया जो इसको होस्ट करने जा रहा है क्या इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है क्या इससे पहले हमारे देश में कभी भी मिस वर्ल्ड कंपटीशन को हेल्ड नहीं किया गया था तो इससे पहले 1996 के अंदर भी इंडिया इसको होस्ट कर चुका है कहा ये देखो कह रहा चलो दिल्ली 1996 के अंदर भी क्या है इंडिया इसको होस्ट कर चुका है तो ये याद रखिएगा इस बार इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करने, करने जा रही है इनका नाम क्या है हाँ भाई बताइए इनका नाम क्या है शिन्नी शेट्टी इनका नाम याद रखिएगा जो इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है तो इनका नाम क्या हो जाएगा शिन्नी शेट्टी जो है वो इनका नाम है ठीक है चलिए आप देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ये कौन है हाँ जी इनका नाम क्या है तो ये आप सभी पहचानते होंगे मानुषी छिलर है मानुषी छिलर जो कि कौन से ईयर के अंदर ये बनी थी मिस वर्ल्ड कब बनी थी 2019 में बनी थी मिस वर्ल्ड ठीक है अच्छा अगर हम पूछे आपसे फर्स्ट मिस वर्ल्ड जो है ये कौन बनी थी तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे इसका क्या होगा पहली मिस वर्ल्ड कौन थी हाँ जी ये कौन है तो इनका नाम क्या है बस 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 इतना भावनाओं में नहीं बहना तुम तो कतई भावनाओं में बहते चले जाते हो मुझे ऐसा लग रहा है डूबी जाओगे आज तो तुम ऐसा लगता है इतना नई भावनाओं में बहना भाई जी हरनाथ संधु हरनाथ संधु की बात करेंगे तो हरनाथ संधु जो है ये मिस यूनिवर्स बनी थी ठीक है ये क्या है मिस यूनिवर्स बनी थी और अगर आपसे पूछ लिया जाए मिस वर्ल्ड 2023 प्रेजेंट टाइम पर कौन है तो ये है कैरोना कौन है कैरोलीना ब्लाव की जो कहां से बिलोंग करती है यूएसए से और ये प्रेजेंट टाइम पर है क्या प्रेजेंट टाइम पर मिस वर्ल्ड है जो लास्ट ईयर बनी थी, ठीक है तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे चलते नेक्स्ट गुप्तेश्वर फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अभी एक और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ये डिक्लेयर की गई है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर है गुप्तेश्वर वन जो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है कौन से स्टेट के अंदर है इन विच स्टेट ओडिशा के अंदर ये आपको मिलता है ठीक है चलिए देखो इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं क्या है बायोडाइवर्सिटीज हेरिटेज साइट कहां पर बनाई है ओडिशा में ये कौन से नंबर की है फोर्थ नंबर की है ठीक है ओडिशा में यानी इससे पहले तीन थी ओडिशा में और कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं एक बार से एक तो हो जाएगी महेंद्र ठीक है एक तो हो जाएगी महेंद्रगिरी मंदसौर हो गई क्या है मंदसौर हो गई और एक और कौन सी हो जाएगी गंधमोर्दन गंधमोर्दन ठीक है ये तीन थी एक गुप्तेश्वर हो गई है फोर्थ नंबर वाली फोर्थ वाली कौन सी हो जाएगी गुप्तेश्वर वन जो है ये नंबर फोर पे आएगा ठीक है बायोडाइवर्सिटीज किसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटीज होती है जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस मिलती है एनिमल्स की भी मिलती है आपको प्लांट्स की भी मिलती है सारी चीजों की जो स्पेसिस मिलती है वो जगह क्या होती है बायोडाइवर्सिटी होती है ठीक है अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसके हमारे देश में चार <coughs> हॉटस्पॉट एरियाज आपको मिलते हैं चार हॉटस्पॉट एरियाज। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो थर्टी टू हॉटस्पॉट इसके मिलते हैं अब ये जो चार हॉटस्पॉट एरिया है इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट है ये कौन सा हो जाएगा वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटीज पाई जाती है वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है और जो वेस्टर्न घाट है ये पूरा छह राज्यों में फैला हुआ है ठीक है अच्छा बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाते हैं ये कब मनाते हैं ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे को एक्ट कब आता है बायोडाइवर्सिटीज एक्ट तो ये आता है 2002 के अंदर ठीक है बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आता है 2002 के अंदर आता है और चार इसके हमारे पास में क्या है हॉटस्पॉट एरियाज है अच्छा हेरिटेज साइट्स क्यों बनाई जाती हैं इनको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाएगा इनके लिए कंजर्वेशन का काम किया जाएगा इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा इसके लिए क्या है हेरिटेज साइट्स बनाई जाती हैं ठीक है ठीके? तो गुप्तेश्वर को बनाया गया है ये कहाँ पर है ओडिशा के अंदर है चलिए ओडिशा की बात आई है तो देखते हैं ओडिशा सबसे पहली चीज तो जो ओडिशा है इसे स्टेट का दर्जा कब दिया गया स्टेट कब बनता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1936 को बनता है ये जो डे मनाया जाता है ये उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं इसका जो कोस्टल एरिया है उसे भी क्या कहते हैं उत्कल कोस्ट कहा जाता है ठीक है अच्छा ओडिशा के अंदर विधानसभा की सीटें कितने मिलेंगी आजकल ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं भाई आपसे ठीक है क्योंकि इलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा आजकल सुर्खियां चलती ही रहती है इक्कीस सीटें हैं लोकसभा की और दस सीटें हो जाएंगी राज्यसभा की ओडिशा के अंदर ही आपको हमारा सबसे लंबा डैम मिलता है हीराकूट डैम कौन सा हीराकुड पे बना हुआ है महानदी पर यह डैम बना हुआ है यहीं पर आपको मिलता है सिमलीपाल नेशनल पार्क सिमलीपाल एंड भीतर कनिका नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क भी ओडिशा के अंदर ही आपको मिलते हैं ठीक है अच्छा टेम्पल कौन कौन सा है यहाँ पे एक तो हो जाएगा लिंगनाथ टेंपल जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पर आपको मिलता है एंड कोनार्क सन टेम्पल भी यहीं पर मिलता है तो ये सारी चीजें याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट हां जी अच्छा अब आप मुझे बताइए हमारे देश में टोटल यूनेस्को की साइट्स कितनी हो चुकी है अगर मैं आपसे पूछू यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है टोटल ये कितनी हो चुकी है तो आप कहोगे 42 हो चुकी लेटेस्ट वाली याद रखिएगा यानी कि कौन सी है शांति निकेतन है शांति निकेतन है ये कहां पर आपको मिलती है वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है फोर्टी सेकेंड वाली कौन सी थी फोर्टी सेकेंड डायनेस्टी ये कहां पर मिलेगी कर्नाटका के अंदर ठीक है अगर मैं आपसे पूछू रामसर साइट्स हमारे देश में जो रामसर साइट्स हैं ये कितनी हो चुकी हैं सेवेंटी फाइव है कितनी सेवेंटी फाइव नेशनल पार्क बताओ कितने हैं नेशनल पार्क की बात करते हैं ये कितने हो जाएंगे वन जीरो एट है टाइगर रिजर्व टोटल जो टाइगर रिजर्व है ये कितने हैं टाइगर रिजर्व कितने हो गए फिफ्टी फोर है एंड अगर मैं पूछू बायोस्फीयर रिजर्व जो है अगर मैं आपसे पूछू बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कितने हैं? ठीक है इज इट ओके तो ये सारी चीजें याद रखिएगा चलो आगे चलते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चे नोट्स नहीं भी बना रहे हैं जो बाद में बनाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना ले ये इंपॉर्टेंट है चलिए इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है और अपॉइंटमेंट का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आएगा चाहे किसी भी शिफ्ट में आए लेकिन आएगा जरूर ठीक है तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन ट्वेंटी 2024 अभी किन को अपॉइंट किया गया है तो क्या नाम है इनका नवाफ सलम नवाफ सालम इनका नाम है पीडीएफ कल वाला रह गया था मैं भूल गई थी क्योंकि कल मैं चार्जर नहीं लेकर आई और मेरा फोन मर गया था कल शाम से पहले तो पीडीएफ शेयर कर नहीं पाई मैं लैपटॉप भी कल नहीं लेकर आई थी और शाम को मेरे दिमाग से निकल गया आज दोनों का भी साथ में भेज देंगे कोई बात नहीं चलिए सो so, बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये क्या काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है साथ ही साथ में अगर दो देशों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो वो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ये कहाँ पर मिलेगा हेग की अंदर इसको ये इसका हेडक्वार्टर मिलता है ये यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है यूनाइटेड नेशंस के टोटल छह पार्ट है जिनमें से ये एक मात्र ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर नहीं बल्कि के अंदर है ये जगह मिलती है? नीदरलैंड के अंदर है ठीक है ये जगह कहाँ मिलती है नीदरलैंड के अंदर मिलती है अभी यहाँ पर क्या हुआ है अपॉइंटमेंट हुआ है नवाफ अब ये नवाफ नहीं है मेरे ख्याल से इनका नाम नवाफ ही है ना अच्छा ठीक है नवाफ सलम नवाफ सलम जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ से सवाल बनेगा पहली चीज ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये लेबनान से बिलोंग करते हैं अब लेबनान की बात आई है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी तो आप सभी जानते हैं बेरूत जो है ये इसकी कैपिटल है एशिया का ही ये देश है एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है ठीक है अच्छा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं इसमें 15 जजेस होते हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है जो इनका टेन्योर होता है कार्यकाल ये कितने साल का होता है नौ साल का इनका कार्यकाल होता है ठीक है नौ-नौ साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है क्या यहाँ पे कोई इंडियन जज भी है क्या इसके अंदर कोई इंडियन जज भी है जी हाँ एकमात्र है इनका नाम है दलवीर भंडारी ठीक है इनका नाम क्या है दलवीर भंडारी इंडियन जज एकमात्र है ये कहां से बिलोंग करते हैं राजस्थान से हैं इन्हें री इलेक्ट किया गया था यानी इनका दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो चुका है ठीक है अच्छा तो यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेजिडेंट के बाद एक वाइस प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया जिनका नाम है जुलिया और ये बिलोंग करते हैं युगांडा से जो अफ्रीका की एक कंट्री है ठीक है सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दिया करे कभी कभी इतना से काम कर दिया करो हैंडराइटिंग में कहाँ दिक्कत आ रही मतलब इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी दिन मुझे कोई अवॉर्ड ना मिल जाए कैलीग्राफी के फील्ड में है और तुम लोगों के नजर लगाते रहते हो जब देखो बिल्कुल सही है हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है अच्छा जिसको नहीं समझ आता है उसके लिए हम बोलते हैं ना हर एक चीज को बोल के फिर लिखवाती हो तो एटलीस्ट बोल के लिख लो सुनाई तो दे रहा है ना कान तो ठीक है ना कि नहीं है चलो आगे चले तो इनको क्या किया गया यहाँ पे अपॉइंट किया गया है जो आ, जुलिया है पूरा इन्हें तीन साल के लिए अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट तो ये ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये 2002 के अंदर बनाया जाता है 123 जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर है ठीक है चलिए अब बताइए यूनेस्को के हेड कौन है <coughs> यूनेस्को की स्थापना 1945 के अंदर होती है पेरिस में मिलता है आपको इसका हेडक्वार्टर एंड इसके हेड पूछा है मैंने ये कौन हो जाएंगे एजोले ठीक है नेक्स्ट है अभी यूनाइटेड नेशंस की सेवेंटी एथ सब हुई थी इसको किसने हेड किया था इसको किसने हेड किया डैनिस फ्रांसिस ने इसको हेड किया था लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशंस का जो फर्स्ट हेड था फर्स्ट जो हेड थे इसके इनका नाम क्या है तो ये कौन बताएगा ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन ट्रिगविले क्या नाम है इनका ट्रिगविले प्रेजेंट टाइम पे कौन है एंटोनियो गुटेरस है अच्छा वर्ल्ड बैंक के हेड कौन हो जाएंगे अजय बांगा जी हैं. अजय बांगा जो कि इंडियन ओरिजिन के, के हैं और डब्ल्यू एच ओ के हेड कौन है इनका नाम है टेड्रोस एडहन ठीक है इनका नाम क्या है टेड्रोस एडेनन ये डब्ल्यू एच ओ के हेड हो जाएंगे अच्छा कोई कोई बात कोई बात नहीं नहीं जिन लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी लग रही है ना वो लोग देख ले है ना बाकी लोग जिनको हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही वो या तो सुन के पढ़ लो भाई ना तो तुम्हारी मर्जी है फिर तुम कई और से पढ़ लो क्या कर सकते हैं अब क्या ही कर सकते हैं मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अब नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ अब मेरी हैंड राइटिंग तो इससे अच्छी नहीं हो सकती है ये मेरी बेस्ट हैंड राइटिंग है इससे अच्छी हो ही नहीं सकती है चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन चाय के दीवाने कितने हैं तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह चाय ना मिले तो नींद नहीं खुलती है और नींद भी तभी खुलती है जब एकदम चाय की ये घूट जब अंदर जाती है ना तभी ऐसा लगता है कि हाँ अब बेड से उतर सकते हैं हम हाँ। कितने ऐसे लोग हैं चाय के चुसके के बिना जिनके दिन की शुरुआत नहीं होती है इंडिया में तो ऐसे काफी सारे लोग मिल जाएंगे मैक्सिमम लोग ऐसे ही है तो चलिए उन्हीं के लिए क्या है एक न्यूज भी आई है इन विच कंट्री वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन शिफ्टेड जो अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक है परिसंघ इसका जो मुख्यालय है वो किस देश में स्थानांतरित किया गया है इंटरेस्टिंग न्यूज है सुनोगे ना तो चाय पीने का मन कर जाएगा ठीक तो जा है तो यहाँ पेडक्वार्टर तुम लोगों ने चाय को इतना प्रमोट किया इतना चाय पिया है इंडिया वालों ने कि चाय का जो हेडक्वार्टर जो चाइना में था वो इंडिया में शिफ्ट किया जा रहा है सोचो चाइना से इंडिया में आ रहा है चाय चाइना से इंडिया में आई थी और उनका हेडक्वार्टर भी हम यही ले आए चलिए अब बात करते हैं कि है क्या <coughs> ये है इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स ये क्या है एक ग्रुप है जो कि किसके अंडर में काम करता है तो ये काम करता है अंडर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसे 16 ऑफ अक्टूबर 1945 को बनाया गया इसका हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम के अंदर है ठीक है अभी क्या होने जा रहा है इसका एडिशन हुआ था, ठीक है इसका अभी क्या हुआ ट्वेंटी फिफ्थ एडिशन हुआ था कहां पर आसाम के अंदर आसाम में कौन सी जगह पे गुवाहाटी यहीं पे सबसे ज्यादा जो है चाय का प्रोडक्शन भी किया जाता है ठीक है तो अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम करती है चाय के फील्ड में अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है जो कि चाइना में हुआ करता था अब इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं और चाइना की बजाय अब ये कहाँ पे आएगा तो बनती है एक बार इंडिया में आएगा हेडक्वार्टर देख रहे हो अभी अगले दो साल के लिए इसको हेड भी कौन करने वाला है इंडिया ही अगले दो साल के लिए इसको हेड करेगा लेकिन अभी तक कौन कर रहा था इसको हेड तो यूके कर रहा था अभी तक अब दो साल के लिए इसको इंडिया हेड करेगा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये जो हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जा रहा है इसको इंडिया में इंडिया में कौन से जगह पे आसाम के अंदर बनेगा आसाम में कौन सी जगह हो जाएगी गुवाहाटी में ये बनेगा टैलेंटेड हैं मज़ा आया कि रिया सुन के ठीक है तो अब क्या है ये जो हेड क्वार्टर है ये इंडिया के अंदर बनेगा अच्छा आप मुझे बताइए इंडिया के अंदर आपको टी बोर्ड जो है ये कहाँ मिलता है चलिए देखते हैं जरा कितने बच्चों को पता है सिर्फ चाय पीने से मतलब है या चाय के बारे में कुछ पता भी है चाय का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है चाय के, लिए एक बोर्ड भी बना हुआ है हमारे देश में ये बोर्ड कहाँ पर है कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा चाय होती है ये भी पता होना चाहिए ये नहीं कि बस चुस्किया ले रहे हैं और बस आराम से जिंदगी जी रहे हैं पेपर में सवाल बनता है चाय पे ठीक है एग्जामिनर को भी चाय पीने का मन करेगा वो बढ़िया बढ़िया सवाल पूछेगा तुमसे अब तो ओके okay. सो so, ये क्या था ट्वेंटी फिफ्थ इसका सेशन था छोटे चो, चाय उत्पादक वैश्विक चाय क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते क्षेत्रफल के हिसाब से सेवेंटी और प्रोडक्शन के हिसाब से 60 परसेंट का इनका योगदान रहता है जो छोटे छोटे जो चाय के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं ठीक है हाँ कर्नाटका में है पक्की बात है सोच लो सोचो सोचो हाँ प्रश्न का आंसर करेक्ट आया और किसी ने नहीं, नहीं किया अनुषा का आज अनुषा निशु नहीं आई क्लास में आई तो है क्लास में और प्यारी कहाँ गायब है आज <coughs> चाइना में सबसे ज्यादा होती है करेक्ट है जब हम चाय की बात करते हैं टी जो है इसका जो प्रोडक्शन है ये चाइना के अंदर सबसे ज्यादा होता है लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन सी जगह पे आसाम के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है ठीक है अच्छा अब रिसर्च सेंटर या टी बोर्ड की बात करेंगे तो टी बोर्ड जो है ये आपको कहाँ पर मिलता है कोलकाता में मिलता है विच इज कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कॉफी बोर्ड कहाँ मिलेगा ये कर्नाटका में मिलेगा ठीक है कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है कर्नाटका में जो बाबा बुदान हिल्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है कर्नाटका में कॉफी इतनी ज्यादा होती है कि आप चीनी लेने जाओगे तो आपको कॉफी फ्री दे देंगे कि जाओ एक कॉफी के साथ पियो मजे करो इतनी ज्यादा वहां पे सस्ती भी होती है इतनी ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है ओके राइस रिसर्च सेंटर ये आपको कहाँ मिलता है कटक में कटक कहाँ है ओडिशा यहीं पर एक रिवर भी है कौन सी महानदी ठीक है ओके वीट रिसर्च सेंटर कहां पर मिलेगा ये बताइए गेहूं का जो रिसर्च सेंटर है ये कौन सी जगह पे है ये कौन सी जगह पे है करनाल में है करनाल यानी कि हर हरियाणा एंड डेयरी रिसर्च सेंटर भी आपको यहीं पर मिलेगा करनाल हरियाणा हर के अंदर तो ये सारे रिसर्च सेंटर भी आपको याद रखने हैं ओके चलिए आगे चलते हैं साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर एस्ट्रॉली साउथ इंडिया का एक कल्चरल सेंटर जो है ये बनाया गया है तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दक्षिण भारत का पहला ऐसा कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है इससे पहले कभी कोई सेंटर नहीं बना था ठीक है इसलिए ये क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से जगह पर यह बनाया जा रहा है तो क्या होगा आंसर हैदराबाद हैदराबाद में बनाया जा रहा है साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर बनाया क्यों जा रहा है इसका एम क्या है तो बोला जा रहा है कि जो साउथ का कल्चर है जो साउथ का कल्चर है इसको अब क्या करना है प्रमोट करना है ठीक है इसके साउथ के कल्चर में क्या होगा यहाँ का जो डांस फॉर्म हो गया यहाँ की जो लैंग्वेज हो गई जो यहाँ की भाषा हो गई ठीक है साथ ही साथ में इनके जो क्या हो गए फेस्टिवल्स हो गए तो इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा प्रमोट किया जाएगा ठीक है संगीत हो गया यहाँ का नाटक हो गया तो वो सब चीजें प्रमोट की जाएंगी इसका इनेगोरेशन किसने किया है ये जो सेंटर बनने जा रहा है इसका जो इनेगुरेशन है ये पूछा जाएगा आपसे कि किसने किया है हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे एम वेंकैया नायडू जी इन्होंने क्या किया है इसको ज किया है इसका शुभारंभ किया है ठीक है क्लियर है सभी को चलो और क्या पूछा जाएगा यहां से और यह पूछा जाएगा कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब होती है आपको बताना है संगीत नाटक जो एकेडमी है ठीक है संगीत नाटक जो एकेडमी है एक तो यह एकेडमी है कहां पर और इसे बनाया कब गया था तो ये बनती है 1953 के अंदर इसका हेडक्वार्टर पे मिलेगा दिल्ली के अंदर एंड प्रेजेंट टाइम पर इसके हेड कौन है इसके प्रेसिडेंट कौन है तो इनका नाम है संध्या पुरेचा कौन हो जाएंगे इसके हेड संध्या पुरेचा ये भी नाम इम्पोर्टेंट है इसको भी ध्यान रखना आजकल क्वेश्चंस वैसे भी तुम्हारे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं अब पेपर का लेवल उतना इजी नहीं रहा ठीक है तो ये याद रखेगा क्वेश्चन तो यही आते हैं लेकिन एग्जामिनर अब तो आप तुमसे घुमा के पूछता है चलिए आगे चलते ग्रीन सिटी अवार्ड जो है ये हाल ही में अभी किसको दिया गया था तो ये मिला था हैदराबाद को फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे बना ये भी हैदराबाद में फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है ये कहां आएगा हैदराबाद में और ये क्या है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा हैदराबाद में हैदराबाद कौन सी रिवर कौन सी हो जाएगी मूसी कैपिटल किसकी है हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है इसको भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन आता है ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया 1948 में इसी को क्या कहते हैं निजामों का शहर कहते हैं ठीक है ठेके? क्लियर है सभी को हाँ प्यारे जी काहे की गुड मॉर्निंग सादा सेशन निकल चुका अब तुम कह रहे हो गुड मॉर्निंग देखो सेवंथ क्वेश्चन पे आ गए हैं अब इतने सारी चीजें तो छूट गई और फिर गुड मॉर्निंग भाई ले तुम्हारी <coughs> प्लीज सेशन में टाइम से आए करें सभी लोग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड आफ्टर ऑयल स्पिल ये भैया इनके साथ में खेला हो भी हो गया बहुत बड़ा वाला क्या है तेल रिसाव हो गया और ये जो तेल रिसाव हुआ है ये कौन सी जगह पे हुआ है ये जो जगह आप देख रहे हैं तोबैको ठीक है ये एक ही कंट्री है इसके क्या है? आइलैंड्स तो यहां पर देखो क्या हुआ है किस देश के प्रधानमंत्री ने पूर्वी कैरेबियाई में एक बड़े तेल रिसाव के बाद में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया क्या कर दिया नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया तो यहां पर देखो एक्चुअल में हुआ क्या है देखो एक्चुअल में यहां पर हुआ क्या है त्रिनादाद एंड टोबैको ये एक कंट्री है ठीक है पहले इस कंट्री के बारे में ही बात कर लेते हैं ये क्या है एक कंट्री है जो कहां पर है साउथ अमेरिका में है त्रिनीदाद एंड टोबैको ठीक है साउथ अमेरिका की ये क्या है कंट्री है और ये एक ऐसी कंट्री जहा पर काफी सारे जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के आपको मिलते हैं मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो आबादी है वो इंडियन ओरिजिन की रहती है यहाँ के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है किथ रॉले ठीक है सॉरी अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या इन्होंने क्या कहा है इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये जो इनकी जगह है ना ये जो दो आइलैंड्स हैं जहाज इनका जिसके अंदर तेल था, ठीक है? एक जगह से ये ये दूसरी जगह जा रहा था। अब इसमें हुआ क्या? ये जो जहाज था वो पलट गया अब इसके पलटने की वजह से इसमें जो कैप्टन था वो तो भाग गया वहां से और ये जो जहाज पलटने की वजह से बॉब्बे सी बात है कि जो तेल था वो तो बिखर ही जाएगा ना तो 15 किलोमीटर तक तेल बिखर गया है ना अब लोगों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी अब नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है कि अब किसी के पास में फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें घूमने की आजादी है हमें बोलने की आजादी है है ना हमें कहीं पर भी हमें अपना एक्सप्रेस आर्टिकल नाइनटीन है ना कि हमें एक्सप्रेशन की आजादी है हम व्यक्त कर सकते हैं हम कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं ये सब जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है वो सब क्या कर दिए जाते हैं वो सारे के सारे जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं यानी कि ये जो कंट्री है यहाँ पे क्या लग गई है नेशनल इमरजेंसी लग गई है अब नेशनल इमरजेंसी लग गई है उसका कारण भी यही है तेल से भरे जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है इस देश की सरकार के द्वारा ठीक है हम्म तो ये जो घटना है वो इस कंट्री में हुई है इस कंट्री के लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये कैरेबियन सी जो है यहाँ पर ये घटना हुई है कैरेबियन सी के अंदर कैरेबियन सी के पास में ही इस कंट्री की जो लोकेशन है वो आपको मिलती है इधर के साइड में मिलेगा एटलांटिक ओशन और नीचे के साइड में है वेनेजुला ठीक है क्लियर है सभी को चलो अब देखो बात नेशनल इमरजेंसी की आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसको लेकर तीन आर्टिकल्स दिए गए हैं एंड एक हो जाएगा आर्टिकल थ्री सिक्सटी आर्टिकल थ्री फिफ्टी तो टू में आती है नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जो कि कौन डिक्लेयर करता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है ठीक है ये कब आती है किस सिचुएशन में आती है तो ये आती है जब हमारे देश में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए या हो जाए अभी तक तीन बार आ चुकी है 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से इंदिरा गांधी के टाइम पर यह इमरजेंसी लगाई गई लेकिन उसके बाद फोर्टी फोर्थ एक अमेंडमेंट एक्ट होता है और इसमें किया गया संशोधन और कहा गया कि आने वाले टाइम पर इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से कभी इमरजेंसी नहीं लगेगी आर्म्ड रिवोल्ट की वजह से लगेगी तो इसमें यह शब्द जोड़ दिया गया क्या जोड़ दिया आर्म्ड रिवोल्ट जोड़ दिया गया आर्टिकल 356 जो है इसमें आता है प्रेसिडेंट रूल प्रेजिडेंट रूल वहां पे आता है जहां किसी राज्य की सरकार गिर जाती है जैसे मान लो पंजाब के अंदर है ना मान लो पंजाब में सरकार गिर जाए अब गवर्नर ने इस्तीफा दिया है है ना मान लो वहां पे सरकार गिर जाए तो प्रेसिडेंट रूल आएगा फिर वहां पे जो गवर्नर है उन्हीं को सारी पावर्स मिल जाती है ये तो हमारे देश में काफी बार हो चुका है लगभग सौ बार हो चुका है आर्टिकल थ्री सिक्सटी में आती फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई है और ये सवाल यहां से पूछा जाता है कि कितनी बार लगी है? तो जीरो टाइम्स ठीक है चलिए नेक्स्ट वाली न्यूज पर चलते हैं मोदी जी आए हैं आज बड़े दिनों बाद देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किया गया है अनवील ठीक है इस योजना को अनवील किया गया है मोदी जी फिलहाल यूएई गए हुए हैं जहां पर उन्होंने हिंदू मंदिर जो कि यूएई के अंदर पहला हिंदू मंदिर बन रहा है जो बनकर तैयार हो चुका है इसका इनगोरेशन किया गया है धाबी के अंदर वहां सरस्वती पूजा की है, तो उस मंदिर के बारे में भी कुछ खास चीजें हैं जो आज काफी न्यूज हो गई थी तो उसको कल कवर करेंगे हम हाँ। ठीक है ओके okay. सो so, आपसे पूछा जा रहा है कि मोदी जी के द्वारा ये जो योजना लॉन्च की गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसके तहत परिवारों को मासिक रूप से कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी हाँ भाई कितनी बिजली जो कितने यूनिट्स दी जाएगी फ्री तीन सौ यूनिट्स दी जाएगी बिल्कुल करेक्ट है तो ये पहले भी हम देख चुके हैं इस योजना के बारे में लेकिन अभी फिर से इसके ऊपर आर्टिकल आया है कि इसको लॉन्च किया जा चुका है तो देखते हैं इसके बारे में ठीक है देखो भाई क्या था थर्टीन ऑफ फेबर को क्या कर दिया गया है इसको लागू कर दिया गया है 2024 के अंदर 2024 में क्या है इसका एम क्या है इसका एम है एक करोड़ जो घर होंगे ठीक है एक करोड़ क्या है जितने भी घर होंगे सोलर रूफ लगाए जाएंगे वहां पर वहां पर क्या लगाए जाएंगे सोलर रूप यानी छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे इसके अंदर टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी टोटल जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगी ये कितनी है पचहत्तर हजार करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी उसके बाद देखो क्या होगा हर घर में तीन सौ यूनिट बिजली फ्री मिलेगी इसके ऊपर जो भी आपका बिल आता है उसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है उसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी तो ये जो योजना है इसको लागू किया जा चुका है ये इसके अनाउंसमेंट हो चुका है थर्टीन फ़रवरी को इसे लागू कर दिया गया है यह आपको ध्यान रखना ठीक है क्लियर है सभी को ओके कुछ योजनाएं हैं जो बतानी है आपको कमेंट सेक्शन में किसने लॉन्च की थी लोन नहीं मिलेगा इसमें सब्सिडी का मतलब क्या होता है आपको कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे ठीक है घर घर फ्री राशन योजना यह हाल ही में पंजाब के अंदर स्टार्ट की गई थी कि सभी को जो राशन फ्री दिया जा रहा है वो घर तक पहुंचाया जाएगा ठीक okay. है ओके नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना यहां से दो याद रखनी है एक तो है पीएम विश्वकर्मा योजना एक तो है पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि सेवनटीन ऑफ फेबर टू को मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था ठीक है इस योजना में ट्वेंटी टू में ही कर दिया था ठीक है इस योजना में क्या है 18 सेक्टर में 18 में जैसे कि शिल्पकर हो गए जो कारीगर होते हैं जैसे कि सोनार है लोहार है कुम्हार है जो भी टूल्स वाला काम करते हैं उन सभी लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जा रही है उनको लोन दिया जाएगा वो भी ब्याज फ्री एक है सीएम विश्वकर्मा योजना वो आती है पेंशन योजना राजस्थान में पीएम मत से किसान समृद्धि सह योजना इसको भी मोदी जी ने लॉन्च किया था और ये जो योजना है ये कहां पर लॉन्च की गई थी जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था है ना इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था तो इसका आंसर करेंगे आप लोग पुदुमई पेन योजना ये आती है तमिलनाडु के अंदर ठीक है ओके <coughs> चलिए आगे चलते नेक्स्ट वाली न्यूज पे नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है न्यू ईयर सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ सोनम लोसार सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया गया है देखिए अभी तक भी कोई है जो नया साल मनाया जा रहा है जिनके यहाँ पे कहां पे मनाया जा रहा है नेपू ठीक है नेपू जो है यहाँ पर अभी नया साल सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये तमांग कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है तमांग कम्युनिटी मनाती है सोनम लोसार ये फेस्टिवल है ये इनका न्यू ईयर होता है ठीक है जो इस महीने में मनाया जाता है तो ये नेपाल के अंदर बड़े जोरों शोरों से जो है लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं यहाँ है, कम्युनिटी के लोग हैं जो इस फेस्टिवल को मनाते हैं ये कहाँ निवास कहाँ के निवासी भी कहाँ के नेपाल के ही निवासी ठीक है ठीके? अच्छा नेपाल के साथ में हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम क्या है सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के अंदर हमने यूपीआई पेमेंट्स को क्या किया हुआ है लॉन्च किया हुआ है एंड नेपाल के साथ में अभी एक agreement हुआ था कि अगले दस सालों में ये हमें दस हजार मेगावोट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा ठीक है दस हजार मेगावोट कितने अगले दस सालों में ये किया हुआ था हमने यहाँ पर एग्रीमेंट तो ये भी याद रखेगा ओके चलिए नेक्स्ट वाली न्यूज पे चलते ओके okay, पहले कुछ फेस्टिवल्स थावे महोत्सव थावे महोत्सव ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था थावे महोत्सव बताएंगे कि कहां पर ये मनाया गया कहां पर मनाया गया बिहार के अंदर सारंग ये कहाँ मनाया गया आई मद्रास में इसको सेलिब्रेट किया गया ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे आएगा नागालैंड में लूसोफोन फेस्टिवल ये क्या है लूसोफोन फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया गोवा के अंदर तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट चेन्नई ओपन का खिताब जीता है इन्होंने है ना तो ये जो चांद सरोशन चेहरा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये खुशी जो देख रहे हैं इन्होंने जीता है चेन्नई ओपन का टाइटल जीता है इन्होंने तो ये भारत के खिलाड़ी हैं चेन्नई ओपन चैलेंजर का टाइटल इन्होंने जीत लिया है आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है ठीक है तो इनका नाम क्या है सुमित नागल इनका नाम है 12 को ओपन चैलेंजर में इन्होंने जीत हासिल की और ये नागल एटीपी रैंकिंग में 121 से अठानवे स्थान पर आ गए हैं इस उपलब्धि के बाद 23 साल की इनकी एज है सिर्फ और ये टॉप हंड्रेड की रैंकिंग में शामिल हो चुके हैं 1973 में ये रैंकिंग की शुरुआत के बाद से ही नागल जो है वो टॉप हंड्रेड में पहुंचने वाले दसवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं तो 2019 के बाद नागल टॉप हंड्रेड में जगह बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं 2010 के बाद से टॉप हंड्रेड में यहाँ कोई भी खिलाड़ी नहीं आया था भारतीय पहली बार आया है इतने सालों के बाद तो इसलिए क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ठीक है ओके okay, तो ये थी आखिरी न्यूज भाई आज की आज के लिए बस इतना ही करेंगे ये है आपका होमवर्क जिसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में ठीक है ओके गाइस सो सेशन को दें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अच्छा जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो देट कि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा इसके अलावा जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एस एस का एग्जाम आने वाला है ALP का क्या आने वाला है, कहां से पढ़ना है तो आप सारी चिंताएं छोड़कर एप्लीकेशन पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी वहां पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं ठीक है ठेके? अगर मैं एस एस की बात करू तो ये आप पिछले साल की कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कट ऑफ जा रही है और मॉक टेस्ट देके देखिए आपका जो कट ऑफ है वो कितना तो कट ऑफ है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ ये ओके okay, चलो तो अभी क्या है मैं आपको एप्लीकेशन पर लेकर चलती हूँ एप्लीकेशन पे कैसे आपको जोड़ना है हमारे साथ में तो ये देखिएगा एक बार से ठीक है आपको करना क्या है सिंपली यहाँ पे आपको जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन गूगल क्रॉम पर टाइप करना है देखो गूगल ने तुम्हारे लिए डूडल बनाया था देख रहे हो मतलब ये डूडल, का मतलब गूगल ने भी वैलेंटाइन तुम लोगों को सेलिब्रेट किया है क्या बात कर रहे हो देखो अच्छा इसके बाद क्या करना है फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जाना है और सबसे ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है डिफेंस वाले यहाँ से अपना एग्जाम सेलेक्ट करेंगे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ए का सेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है ठीक है उसके बाद आपको सबसे पहले ब्रांच अपने यहाँ सेलेक्ट करनी है जैसे कि मान लीजिए मैंने सिविल को सेलेक्ट किया अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं ए की तो आप सिविल में नहीं है फिर बाकी तीन ब्रांचेस में मिलेगा आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा लेकिन अगर आप सिविल की है तो एसएससी जेई और बाकी सारे एग्जाम्स आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मल्टीपल एग्जाम्स की कर रहे हैं तो फिर आप महापैक जा सकते हैं महापैक के साथ जिसमें आपको सभी एग्जाम्स को एक्सेस करने का आपको की मिल जाएगा ठीक है तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और एक बार फिर से यहां पे मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे इसके ऊपर अभी भी चल रहा है कि डबल वैलिडिटी हां डबल वैलिडिटी सिर्फ ये अभी थोड़ी देर तक के लिए बचा होगा मेरे ख्याल से ये वसंत पंचमी पर शुरू किया गया था तो ये आज खत्म हो जाएगा इसको आज ही ले लीजिएगा जिसको डबल वॉलिडिटी चाहिए जैसे ही आप बाई नाउ पे जाते हैं तो डिस्काउंट कोड आपको मैं बता रही हूँ जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा ये है Y579 जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड डालते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा इस तरीके से एड आएगी उसको हटा देना

ठीक है ओके रेगुलर के जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आपको डेली क्लासेस के नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे तो सोचा नहीं है उस बारे में देखते हैं बताते हैं आपको हाँ यूपीएससी प्रोफेशन नहीं यूपीएससी प्रोफेशन के लिए नहीं है सॉरी यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो आप यूपीएससी अड्डा पे जाइए ठीक है यूपीएससी अड्डा है जहां पर सिर्फ यूपीएससी की होती है कहां मिलेगा पीडीएफ एक तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड मेरा टेलीग्राम है यहाँ से भी ले सकते हैं पिंकी सरोहा के नाम से मेरे नाम की स्पेलिंग है पी आई एन के आई ठीक है पिंकी ये वाला है सरोहा लगा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ठीक है चलो ओके गाइज थैंक यू सो मच हैव ए गुड जे टेक केयर अब मुलाकात करेंगे दोपहर दो, दो बजे जिसमें एस एस सी जे का जीकी होगा फिर शाम को चार बजे ई एल पी का स्ट्रेटेजी होगा ठीक है चलिए बाय बाय आ कल की भी पीडीएफ शेयर कर देंगे